सईद अब्बास, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज 23। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी गर्मा गर्म खबरें लेके आया हूं। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, महंगाई कोई 5-6-7-8% तक बढ़ती जा रही है, कोई आवाम के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी चीफ मिनिस्टर साहब, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सब लोग बस एक ही बात किए जा रहे हैं। आवाम को तो एक ऐसा वली चाहिए होता है, हुक्मरान, जो उनके दुखों को समेट सके और उनको किचन की चीजें सस्ती मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात, मैंने बहुत सर्वे किया, आवाम ने एक ही बात की कि जब ये असेंबलियों में हमारा वोट लेकर जाते हैं तो क्या ये हमसे पूछते हैं कर्जा ले ले, या अमेरिका से हम कर्जे के नीचे दबते चले जा रहे हैं? कोई नहीं पूछता। जब वोट लेना होता है तो अपने हलके में सरगर्म हो जाते हैं, और जब कोई मुल्क के तहफ़ुज़ात की बात आती है तो कोई फैसला नहीं कर पाते, आवाम से कोई मशावरत नहीं की जाती और खुद ही इंडिविजुअल फैसले किए जाते हैं। तो आप बताएं, क्या आवाम का कसूर है? हर दुख तकलीफ आवाम के लिए है? आवाम इस वक्त जितनी परेशान है, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे नए तशरीफ लाए हैं सैयदजादे हैं, क्या उन्होंने सोचा है कि हमें आवाम के बारे में कौन सी हुकूमत को लाना चाहिए? यहां तक अभी जैसे इमरान खान साहब के पैनल ने इस्तीफे दिए हैं, क्या वो इस्तीफे मंजूर हो पाएंगे? शहबाज शरीफ की हुकूमत डेड फ्लॉप हो गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत इससे पहले रही है वो डेड फ्लॉप रही है। किसको लाए हम ढूंढ के? लीडरशिप आपके पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। यहां पे तो डायरेक्टर एक्टर बनाते हैं और उनको फ्रेम में लाते हैं और आवाम पे एक मुसलत कर दिए जाते हैं। आप लोगों को चाहिए हमें अपने अपने कमेंट्स और अपने अपनी राय दे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सईद अब्बास, और आप देखते रहिए सोशल न्यूज 23। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट प्रोग्राम भी हम आपको पेश करते रहेंगे।